पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मनोरंजन के नाम पर बहुत सारी विकृतियाँ हमारे जीवन में बैकडोर से प्रवेश करती जा रही है, जिसके कारण हमारा जीवन का नैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन मूल्य का तेजी से डिवैल्यूएशन हो रहा है। गुरुदेव, मैं मानती हूँ कि मनोरंजन हमारी हेल्दी लाइफ की नीड है, पर गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि मनोरंजन है क्या, इसका हेल्दी रूप क्या होना चाहिए जिसके कारण हमारे जीवन का नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्य सुरक्षित रहे एवं हम हैप्पी रहे और हम मानसिक विकृतियों से बचे भी रहे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहली बात, मनोरंजन शब्द को हम ध्यान में रखें। मनोरंजन और इंटरटेनमेंट में बड़ा अंतर है। मनोरंजन का मतलब है जो हमारे मन को रमा दे, इतना रमा दे कि मन का सारा तनाव चिंता शंता मुक्त हो जाए, मन में शांति हो। यथार्थतः यही मनोरंजन का अर्थ है। समझ गए? जी गुरुदेव। लेकिन आजकल मनोरंजन का मतलब केवल मौज मस्ती ने ले लिया है, जो इंटरटेनमेंट जैसे शब्द से व्यंजित होता है। ये सही नहीं है। मनोरंजन हो, स्वस्थ मनोरंजन हो। मनोरंजन के नाम पर हमें उन्हीं साधनों और आलंबनों का आश्रय लेना चाहिए जो हमारे चित्त और चेतना को उद्दीप्त करे, जिनसे हमारा नैतिक चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्य पुष्ट हो, जिससे हम और अधिक भावनात्मक और निर्मल बन सके। वो मनोरंजन का साधन है। हमारे यहाँ मनोरंजन में भी बहुत सारी प्रेरणाएँ मिलती थी, आजकल वह सब चीज़ें दिनों दिन दूर होते जा रही है, बल्कि हो गई है। इसलिए मनोरंजन ठीक नहीं, स्वस्थ मनोरंजन। और मैं तो एक बात कहता हूँ, हमारे यहाँ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं रखा गया, मनोरंजन से एक कदम और आगे बढ़कर बात की गई कि मनोरंजन बाद में मनोभंजन, मनोरंजन से मनोभंजन की ओर बढ़ना हमारा लक्ष्य है, ताकि हम मन के पार जा सके। उसी के बल पर हम अपने जीवन का वास्तविक विकास भी कर सकते हैं। आज जो चीजें मनोरंजन के नाम पर परोसी जा रही है, वो हम सबको भीतर से बीमार बना रही है, वो हमारी सांस्कृतिक चेतना को विनष्ट कर रही है। ये कतई उचित नहीं है। जब हम भारत के सांस्कृतिक परंपरा पर विचार करते हैं, तो हर युग में मनोरंजन रहा। आपने अगर किसी पंच कल्याणक के दृश्य को देखा होगा, कल्याणक में जब भगवान माँ के पेट में आते हैं, तो 9 माहों तक देवियाँ भगवान की माता के साथ कितना मनोरंजन करती है। वो मनोरंजन इस बात के लिए, ताकि इस अवधि में माँ के मन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का क्षोभ ना आए, माँ शांत रहे, कूल एंड काम रहे, ताकि पेट में पलने वाले संतान को अच्छे संस्कार मिले। उस मनोरंजन में क्या होता है? ललित कलाएं और बल पराक्रम की गाथाएं, पौरुष और पुरुषार्थ की कहानियां तथा आमोद प्रमोद की बातें होती हैं। आजकल मनोरंजन के नाम पर जितने भी टीवी चैनल हैं, उनमें जो कुछ परोसा जा रहा है,
उसमें क्या मिल रहा है? फूहड़पना, इसके अलावा और क्या? नहीं। हमें मनोरंजन में भी कुछ संदेश और प्रेरणा मिलनी चाहिए, तभी मनोरंजन सार्थक है, अन्यथा ये सब हमारे पतन का कारण है।